हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अमर एफ सिंह। एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स रियल नंबर क्वेश्चन 4 है, पार्ट 4 है। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें इसमें प्रूव करना है 3m और 3m+1 के रूप का है। तो सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ मान लेते हैं, तो हम ले सकते हैं माना एक्स धनात्मक पूर्णांक, ये हमने मान लिया। तो अब यहाँ ले सकते हैं, तो एक्स बराबर हम ये मान लेंगे 3q+1, ये हमको प्रूव करना है एक्स बराबर, या इसका देखा लेते हैं 3q+2 में q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। और उसके बाद हम अब यहाँ जब ये एक्स बराबर हम 3q यहाँ लिख सकते हैं जो है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम यहाँ इसका स्क्वायर लिख सकते हैं और इधर बराबर 3q का स्क्वायर दे सकते हैं। और हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 9q² हो जाएगा। अब इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं इसका 3m, ठीक है। अब यहाँ हम जहाँ हमने m क्या माना है 3q² ये 3q² 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, m हम इसमें निकाल लिए, तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो 9q² हो जाएगा। हमने m बराबर मान लिया 3q², ये हमारा क्या, अब इसके बाद हमारा इसलिए x² बराबर 3m। अब इसमें हम इसे हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। आप पुनः हम x बराबर 3q+1 लेते हैं, 3q+1 लेते हैं, चलते हैं से, और x बराबर 3q+1 हो गया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, दो इसमें पहले भी क्या थे जो, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो x² इधर हो जाएगा, इधर 3q+1 पर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो x² हो जाएगा 9q² + 1 पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा 9q², सॉल्व कर देते हैं। और इधर हो जाएगा इसका a+b का जो होल स्क्वायर होता है उसके फॉर्मूला पर, a+b का स्क्वायर होता है, तो 9q² हो जाएगा +2 × 3q × 1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर हो जाए तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, x² हो जाएगा 9q² + 6q+1। हम यहाँ 3q पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पर हम सॉल्व कर दिए, इधर भी कर दिए, उससे हमें को फर्क नहीं, तो 9q² हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम या x² जो है, इसमें हम 3 है जो,
कॉमन लो लेते हैं इन दोनों में, तो अगर हम तीन कॉमन लेते हैं तो इसमें 3q² हो जाएगा और प्लस 2q हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, या x² बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 3m+1। अब हम जो यहाँ लिख सकते हैं तो m बराबर हमने क्या मान लिया, 3q² + 2q, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा, ये मान ली, तो ये जो हमारा, ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया, इसमें हमने m मान लिया ये, तो x² 3m+1 हो गया, इसमें हम समीकरण 2 मान ली। अब पुनः हम चलते हैं, पुनः हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा था 3q x / 3q+2 हो गया। अब यहाँ पे हम वही करते हैं, तो x बराबर हम 3q+2। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो x² हो जाएगा बराबर 3q+2 पर स्क्वायर हो जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3q² हो जाएगा, तो 3q² + 2 × 3q × 2 + 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, तो x² बराबर होता है 3×9 × q² + 2×4 = 12q हो जाएगा और +4 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे, तो x² बराबर हो जाएगा, इसको हम तोड़ देते हैं, तो 9q² + 12q + 3+1 ये हम लिख सकते हैं, इसे हम तोड़ दिए, 3+1 लिख दिए। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन, कॉमन हम 3 कॉमन लेते हैं, तो इसमें हम 3 कॉमन लेने पर हमें क्या आ जाएगा, 3q² + 4q + 1, इसमें भी कॉमन ले लिए, अब प्लस इधर 1 हो गया। अब ये हम लिख सकते हैं x² = 3m+1, जो m है हमारा, m हम क्या मान ली, 3q² + 4q + 1, ये हमने मान लिया m बराबर। अब इसे हम समीकरण 3 मान लिए, ये x² 3m+1 हो गया। अब हम आगे क्या, आगे अब इसमें और अभी हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1, 2 और आपका ये 3, ये से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और एक क्वेश्चन बचा है वो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।